किसी गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था। श्याम बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, साथ ही साथ वो बहुत बुद्धिमान भी था। इस तरह से श्याम सभी गांव वालों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। फिर एक दिन की बात है, एक दिन अचानक कहीं से उस गांव में एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है। हा हा हा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार कर खा जाऊंगा। राक्षस की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी से अपने घर से ढेर सारा खाना लाकर राक्षस के सामने रख देते हैं। इन सभी खानों को देखकर राक्षस बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अरे मूर्खों, मैं ये सब खाना नहीं खाता हूँ, मेरे लिए स्वादिष्ट मटन बिरयानी लाओ। मैं तुम लोगों को शाम तक का समय देता हूँ, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार कर खा जाऊंगा। इतना बोलकर वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। राक्षस के चले जाने पर गांव वाले बहुत ही घबरा जाते हैं। हम लोगों को उस राक्षस को खाना देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो राक्षस गुस्से में आकर हम लोगों को मार कर खा जाएगा। इसलिए हम लोगों को पैसा इकट्ठा करके उसके मनपसंद का खाना देना ही पड़ेगा। हाँ श्याम भैया, आप बिल्कुल सही कहते हो, हम लोगों को किसी भी तरह से करके उस राक्षस को खाना देना ही पड़ेगा। गांव वालों को श्याम की बात सही लगती है। फिर शाम होने से पहले ही सभी गांव वाले राक्षस के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। हम लोगों ने राक्षस के लिए मटन बिरयानी बनाकर तैयार कर दिया है। अब वो राक्षस जैसे ही आएगा हम लोग उसे खाना दे देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद शाम हो जाती है और वो विशाल राक्षस गांव में आ जाता है। तब सभी गांव वाले राक्षस के सामने ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान रख देते हैं, जिसे देखकर राक्षस बहुत ही खुश होता है और जल्दी से सारा खाना खत्म कर देता है। हा हा हा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। तुम लोग कल मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट हलवा पूरी और 70 लीटर दूध लेकर आना, मैं कल इसी समय पर आऊंगा। तुम लोग मेरे लिए खाना तैयार रखना, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार कर खा जाऊंगा। इतना बोलकर राक्षस वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सभी गांव वाले मजबूर होकर श्याम को पैसा देते हैं। श्याम भाई, तुम उस राक्षस के लिए अच्छा खाना लेकर आना, नहीं तो वो राक्षस हम लोगों को मार कर खा जाएगा। हाँ मोहन भाई, आप चिंता मत करो, मैं शहर से हलवा पूरी और 70 लीटर दूध जरूर लेकर आऊंगा। इतना बोलकर श्याम पैसा लेकर शहर की तरफ चल देता है। जब श्याम जंगल से गुजर रहा था तभी उसे कुछ डाकू दिखाई देते हैं। अरे कौन है रे तू, चल अपना पूरा पैसा हम लोगों को दे दे, नहीं तो हम लोग तुझे मार देंगे। हाँ हाँ, जल्दी से पैसा दे दे वरना जान से मरेगा। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे मारो मत, मैं शहर जा रहा हूँ। अगर मरना नहीं चाहता है तो पूरा पैसा हम लोगों के हवाले कर दे, वरना तो तू गया। उन लोगों की बात सुनकर श्याम बहुत डर जाता है और अपना सारा पैसा उन डाकुओं को दे देता है। अरे ये मैंने क्या किया, अपना सारा पैसा उन डाकुओं को दे दिया, अब तो वो राक्षस हम लोगों को मार देगा, अब हम लोग क्या करें। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं गुफा में जाकर छिप जाता हूँ, कम से कम मैं तो जिंदा बचा रहूँगा। ऐसा सोचकर श्याम जंगल में बनी एक गुफा के अंदर चला जाता है। जब श्याम उदास होकर कुछ सोच रहा था तभी उसकी नज़र एक मटके पर जाती है। वो मटका बहुत तेज चमक रहा था, ये देखकर श्याम कहता है, अरे ये मटका इतना चमक क्यों रहा है। तभी उस मटके में से एक आवाज आता है, अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कौन, कहाँ से ये आवाज आ रही है। मैं मटका बोल रहा हूँ, मैं एक जादुई मटका हूँ, बोलो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर श्याम जादुई मटके को सारी बात बताता है। ये सुनकर जादुई मटका श्याम से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मुझे उठाकर अपने गांव लेकर चलो, फिर एक जगह मुझे रख देना, फिर देखना मेरा कमाल, मैं उस राक्षस को कैसे सबक सिखाता हूँ। जादुई मटके की बात सुनकर श्याम बहुत ही खुश हो जाता है और जादुई मटके को लेकर अपने गांव की तरफ चल देता है।
जैसे ही श्याम उस मटके को जमीन पर रखता है, वो बहुत ही सुंदर जादुई विशाल मटके घर में बदल जाता है। ये सब देखकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। राक्षस के आने का समय हो गया है, अब सभी लोग इस मटका घर के अंदर चले आओ। इतना बोलकर श्याम सभी गांव वालों के साथ मटका घर के अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद शाम हो जाती है, तब वो राक्षस उस गांव में आता है। तभी राक्षस की नजर जादुई मटके घर पर पड़ती है। अच्छा डरपोक गांव वालों, तुम लोग इस घर के अंदर बैठे हो। तभी श्याम जादुई मटका घर के अंदर से कहता है, दुष्ट राक्षस, अब हम लोग तुझे कभी भी खाना नहीं देंगे। अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो ये गांव छोड़कर भाग जा, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठहर जाओ, मैं तुम लोगों का ये मटका घर अभी फोड़ देता हूँ, तब तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी जादुई विशाल मटका घर के अंदर से ढेर सारी मटका बाहर आने लगती हैं और राक्षस के सर पर गिरने लगती हैं। आ आ, अरे मेरा सर फूट गया रे, कोई मुझे बचाओ, आ आ मुझे कोई बचाओ। लगता है तेरी अकल ठिकाने पर आ गई है, अब ये गांव छोड़कर चला जा। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, आ अरे भागो रे भागो। इतना बोलकर वो राक्षस हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।